हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूँ आशीष। आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल नरसिंह गुरु जी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज बहुत बड़ी एक वैकेंसी, फाइनली फाइनली बहुत बड़ी वैकेंसी आ चुकी है। इसकी पूरी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ, कब फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, कितनी पोस्ट रहने वाली है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो वीडियो को लास्ट तक देखना, वो चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें और लाइक तो करना ही है। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर कुछ पोस्ट जो रहने वाली, नर्सिंग स्टाफ की भी पोस्ट रहने वाली है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज बात कर लेते हैं कि वैकेंसी कहाँ की रहने वाली है, तो ये जो वैकेंसी है ये मेडिकल डायरेक्टर इंदिरा गांधी हॉस्पिटल न्यू दिल्ली की रहने वाली है। यानी कि जो प्लेस रहेगा जॉब का वो क्या रहेगा, न्यू दिल्ली रहेगा। तो आप डेफिनेटली इसको भर सकते हो। जेएनएम और बीएससी दोनों ही इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे वो भी मैं आपको इसके अंदर बता दूंगा। पोस्ट बहुत सारी डिवाइडेड की गई है, 918। ठीक है, उनमें से 273 जो होगी वो आउटसोर्सिंग वैकेंसी होगी और जो 645 होगी वो परमानेंट पोस्ट होगी। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे होगी। अब इसके अंदर काफ़ी डिवाइड की गई है, एक एक, एक पोस्ट यानी कि मेडिकल ऑफिसर काफ़ी डिवाइड की गई है। सीधा चलते हैं डायरेक्टली नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे, जो कि लास्ट में दी गई है। ठीक है फ्रेंड, चलिए ये देख लीजिए, दो कॉलम में आपको दी गई है नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी। नर्सिंग ऑफिसर जूनियर और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी दी गई है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो 356 टोटल प्लस 6 पोस्ट, यानी कि लगभग लगभग जो पोस्ट होने वाली है वो यानी कि 360 प्लस होने वाली है। तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी रहने वाली है नर्सिंग फील्ड के लिए, और रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस दोनों बेसिस पे होने वाली है। ठीक है, और मैं आपको फ्रेंड्स इसके अंदर बता दूँ, ये कुछ स्पेशल इसमें पॉइंट्स लिखे गए हैं। द आउटसोर्सिंग पोस्ट शुड बी पेड पर नॉर्म्स मिनिमम वेजेस, यानी कि मिनिमम वेजेस जो आपको दिया जाता है, जो सभी को दिया जाता है वही दिया जाएगा। इसके अंदर कोई स्पेशल नहीं होगा। जो परमानेंट होंगे वो होंगे इसके अंदर, 7th ग्रेड का पे होगा, यानी कि लगभग एम्स के लेवल की आपको सैलरी रहने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें अभी तक फॉर्म भरने का कुछ नहीं बताया गया है कि इसमें फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें फाइनली ये पूरी आ चुकी है, ये बोला जा रहा है जहाँ पे काफ़ी इसका रिव्यू लेने के बाद में इसको ये बोला जा रहा, वैकेंसी आ चुकी है। इसकी नो टेंशन रही है कि वैकेंसी फाइनली तो आ चुकी है। अब इसकी जो वैकेंसी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो बोला जा रहा है, जेएनएम और बीएससी दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है, विदाउट एक्सपीरियंस इसमें आप अप्लाई कर सकते हो, जहाँ तक मैंने सुना है इस वैकेंसी के बारे में रिव्यू लेने के बाद में। और जो ये फॉर्म स्टार्ट होंगे ये जून के एंड तक फॉर्म इसके स्टार्ट हो जाएंगे, जहाँ तक रिव्यू लेने के बाद में पता लगा है। तो फ्रेंड्स तैयारी कंटिन्यू रखिए, तैयारी में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। पोस्ट ऐसी आती रहेगी जाती रहेगी, बट आपको तैयारी कंटिन्यू रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, लव यू टू ऑल, बाय फ्रेंड्स।